चलिए स्लिप का कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक सीधी लाइन खींच लेना है इधर की ओर। इसको दो फोल्डों में रखे हैं, देखिए दो फोल्डों में रखे हैं। अब हमें स्लिप का लेंथ लेना है, स्लिप का लेंथ है 8 इंच, तो 8 इंच पर एक एक इंच सिलाई मार्जिन एड कर इसको हमें खींच लेना है सीधी लाइन। यहाँ पर मोहरी, इसका मोहरी 9 इंच, तो 9 का आधा होगा 4.5 इंच। अब हमें आर मोहल का जो राउंड है उसको करने के लिए, जैसे कि आर मोहल कितना राउंड करना है उसको करने के लिए चेस्ट का 12वां भाग प्लस 1.25 इंच ले लेना है, जैसे कि इसका चेस्ट का 12वां भाग होगा लगभग 2.75 इंच, तो इस पर 1.25 इंच ले लिए हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर एक लाइन की सीधी कर देंगे, है ना, तो जितना भी यहाँ पर हमने आर मोहल का किए हैं उस पर प्लस 0.5 इंच रख देना है इस प्रकार से, लाइन खींच लेना है। अब हमें इसका जो लाइन है यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको खींच लेना है, इसका सेंटर ले लेना है यहाँ पर, यहाँ पर इसका सेंटर लेने के बाद इसका भी सेंटर ले लेना है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर सेंटर। अब यहाँ पर 0.5 इंच लेना है, ठीक है, और यहाँ पर भी 0.5 इंच के एक निशान लगा देना है लगभग तकरीबन यहाँ पर 1 इंच से ऐसे राउंड स्टार्ट करना है ऐसे, और इसको ऐसे मिला देना है इस प्रकार से। अब इस निशान को ऐसे खींच लेना है, इस लाइन से लगभग इधर 0.5 इंच यहाँ से ऐसे ले जाना है, इस तरीके से इसको हमें ऐसे मिला देना है लगभग 1 इंच के करीब में ले जाकर। इसका मेजरमेंट, ठीक है, इसका आर्महोल का मेजरमेंट देख लेते हैं कितना लिए हैं। ये 1.5 इंच, 1.5 इंच को यहाँ रख दिए, ये 1.75 इंच इसका आर्महोल आ रहा है, ठीक है, तो 1.75 इंच, तो 7 इंच पर इसको हम लोग रखेंगे 7 इंच पर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 7 इंच पर रख देंगे, 7 इंच पर निशान लगा देंगे, क्योंकि 0.5 इंच यह स्लिप बड़ा रहेगा। अब इस पर हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिनेट कर देना है, इस निशान को ऊपर की ओर लगा ले रहे हैं इस तरीके से। अब हमें इसको कटिंग कर लेना है, तो कुछ इस तरीके से इसका स्लिप का कटिंग होगा।